हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ 90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का, इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। ये आपका पेज ओपन होगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का। इसमें आपका जो है ना नीचे की साइड ये तीसरे ऑप्शन पे पहले से सिलेक्टेड होगा, यानी कि ये सेटिंग आपकी पहले से डिसेबल होगी। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको डू नॉट डिस्प्ले के ऊपर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, डॉट और ये नंबर का। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जिससे ये सेटिंग आपकी ऑन हो जाएगी, यानी कि इनेबल हो जाएगी। देखिए, इस सेटिंग को ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो यहाँ पर जो है ना आपका जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन होगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस सेटिंग को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, ये जो दो ऐप्स है ना, यहाँ पे डॉट यहाँ पे नहीं लगे हुए इन ऐप्स के ऊपर, और यहाँ पर भी देखिए कोई डॉट नहीं लगा इस ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर अब मैं सेटिंग को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सेटिंग ऑन हो चुकी है, मैंने डॉट पर सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इस ऐप के ऊपर डॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और इस ऐप के ऊपर भी डॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे होता है क्या, हमारा जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन होता है ना, उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इस सेटिंग इस तरीके से काम करती है इनेबल करने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है। तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।